धन्यवाद सभापति महोदय। मैं संक्षेप में अपने विचार इस बिल को पारित करने के लिए समर्थन करके लिए रखना चाहती हूं। मैं कुछ घंटों से देखते आ रही हूं, यहां पे एक थिएट्रिक्स चल रहा था कि करप्शन कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। मेरे जैसा युवा जब इस प्रकार में जब पहली बार लोकसभा में चुन के आता है, लोगों की उम्मीदें ले आता है, और जब कुछ कुछ जगहों से कविताएँ चलती और थिएट्रिक्स चलता है, और फिर वही सवाल उठाते हैं कि हमारी ही जमात पे कि पॉलिटिशियन ही खराब है, वो खुद पॉलिटिक्स में रह के भी, तो मुझे कहानी याद आती है। तीन मित्र होते हैं, एक धन, एक ज्ञान और एक विश्वास। ये तीन मित्र बहुत करीबी मित्र हैं। एक बार इन तीन मित्रों ने तय कर लिया कि हम तीन मित्र साथ में नहीं रहेंगे, नाउ वी विल गो ऑन आवर ओन वे, हम तीनों दोस्त। सो विश्वास और मित्रों ने एक दूसरे को पूछा, तो धन को पूछा गया कि धन तुम अभी हम मित्र नहीं रहेंगे, साथ में रहेंगे, तुम कहाँ मुझे मिलोगे? सो धन ने कहा कि मैं आपको बैंकों में मिलूंगा, पर्स में मिलूंगा, धन पेटियों में मिलूंगा, मंदिरों में मिलूंगा, कहीं ना कहीं मैं तुम्हें मिलूंगा, तो हम मिलते रहेंगे। फिर उसके बाद ज्ञान को पूछा गया, ज्ञान मेरे मित्र अभी हम साथ में नहीं है, तुम कहाँ मिलोगे जब हम मिलना चाहेंगे? तो ज्ञान ने कहा मैं स्कूलों में मिलूंगा, संस्थाओं में मिलूंगा, मैं कॉलेजों में मिलूंगा, मैं लोगों में मिलूंगा, मैं सब जगह मिलूंगा। लेकिन जब इन दोस्तों ने पूछा कि विश्वास हम तो कहीं ना कहीं मिलेंगे, तुम कहाँ मिलोगे, विश्वास ने उसको इतना ही कहा, एक बार मैं चला जाऊंगा तो मैं कभी तुम्हें मिल नहीं पाऊंगा। तो विश्वास, आदमी का विश्वास जो होता है ये बहुत जरूरी होता है, और विश्वास इस देश की मुख्य धारा को सिस्टम पे रखने के लिए बहुत जरूरी है। आज हम यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, आगे बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, हम इस तरफ है, उस तरफ है, लेकिन जनता ने हम पे वो विश्वास रखा, इसलिए हम यहां पे आके बैठे हैं। और आप ये भी नकार नहीं सकते, विरोधी पक्ष में बैठे हुए जिन्होंने पहला भाषण किया और पहले ही करप्शन की बातें शुरुआत की, तो आप ये भी विश्वास नकार नहीं सकते कि देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे पूरे जोर विश्वास रखा और 2014 में हमको ये मौका दिया। आप ये सवाल उस वक्त पूछ नहीं सकते, तो जनता के विश्वास पे आप ये सवाल पूछ रहे हो, और इसी विश्वास से हम विकास करना चाहते हैं। हमारा मूल मंत्र यही है कि इसी विश्वास से हम विकास कैसे करें। प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में परसों, युवाओं के कार्यक्रम में कहा था कि चलता है का जमाना अभी चला गया, कि बाबा चलता है चलता है। हम भी कहते थे कि गांधी जी को दिखा दो और चले जाओ। हर कोई किसी को पकड़ा जाता था या किसी को करप्शन करना चाहते थे तो वो कहते थे गांधी जी को दिखाओ, लेकिन हम इस सरकार में कहते हैं गांधी जी को मत दिखाओ, गांधी जी के मूल तत्व दिखाओ और विश्वास से आगे बढ़ो। और इसी विचार को लेके इस बिल को पारित करने के लिए लाया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, 2022 में हम हमारी आजादी के 75 साल मनाने वाले हैं। उस आजादी के 75 साल में हम क्या हासिल करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम हासिल ये करना चाहते हैं कि किसानों को दुगनी आय, गरीबों के सर पे छत, युवाओं को सम्मानित रोजगार और महिलाओं को समान अधिकार। जब ये विचार करके हम 2022 के ओर मुड़ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भारत की तरक्की और खुशहाली को अगर कोई रोक सकता है तो भ्रष्टाचार के प्रति होने वाला लोगों का शिष्टाचार और हमारे जैसे लोगों का शिष्टाचार, ये ही आगे आने वाली हमारी खुशहाली को रोक सकता है। और मैं इतना कहना चाहती हूं, जब शिष्टाचार, कहा गया है कि दिस बिल इज फॉर प्रिवेंशन, बट मैं कहती हूं ये बिल एक क्योर है। प्रिवेंशन तो हम सब ने, पूरे भारत के सब नागरिकों ने करना है कि नहीं मैं घूस नहीं दूंगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन वो प्रिवेंशन के पहले आज सरकार आपके सामने क्योर लाके रखी है। 19 क्लॉजेस इस प्रिवेंशन में है। सबसे महत्वपूर्ण बात इन 19 क्लॉजेस में है कि यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी, अनड्यू एडवांटेज। हर क्लॉज में पहले कुछ ना कुछ ये लिखा जाता था, और एज, ये जो हमारे प्रिय बाबुओं की और हमारी एक भाषा होती है कि भाषाओं में हम उलझ जाते थे, लेकिन हमने तय किया, हमारी सरकार ने तय किया कि भाषाओं में हम लॉ को कहीं उलझाना नहीं चाहते, तो यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी होगी, अनड्यू एडवांटेज। वो टर्मिनोलॉजी क्या है कि हर तरीके का फायदा, देने वाला, लेने वाला, बीच वाला, साइड वाला, लेफ्ट वाला, जो कोई इसमें करप्शन में शामिल होगा उस सबको अनड्यू एडवांटेज के रूप से पकड़ा जाएगा। यहाँ पे भाषणों में किसी ने सेक्शन 7 पे बात की, किसी ने सेक्शन 8 पे बात की, किसी ने 9 पे बात की, लेकिन ये पूरे आप बिल के 19 क्लॉजेस में देखेंगे तो जैसे GST ने एक बहुत बड़ी व्याख्या हमारे सामने, सारे टैक्स को साथ में लेके लाई है, वैसी ही व्याख्या सेक्शन 7, 8, 9, 10 इस बिल में है। इस बिल में सेक्शन 8 की व्याख्या यही है कि ब्राइब टेकर, घूस लेने वाला तो कॉन्विक्ट होता ही है। सेक्शन 8 से जांच करने के लिए ब्राइब गिवर की परिभाषा ठीक नहीं थी, क्योंकि सेक्शन 24 में अपने आप को बचाना चाहता था।
उस सेक्शन 24 को हमने ओमिट करके हम उसको 7 से 8 दिन या कुछ और दिन लगे तो उतनी विसल ब्लोअर को उतना समय दे सकते हैं कि कल जाके उसने ब्राइड गिवर होके विसल ब्लोअर था तो उसके लिए उसकी जांच हो सकती है और उसके लिए भी मिनिमम कैप नहीं रखा गया। सेक्शन 9 और 10 भी ये बहुत जरूरी है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अपने आप को बड़े बड़े कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी बचाने के लिए एक प्यून को भेज के कुछ करते थे कि कुछ भी हो गया तो इसको जेल में डालो और काम खत्म कर दो। लेकिन इस बार ये बहुत जरूरी है सेक्शन 9 और 10 में कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के भी पैरामीटर्स पे अभ्यास किया जा रहा है कि समझो किसी बाबू ने उसका काम किया होगा, किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इसमें घूस में काम किया होगा उसके रूप से। और टाइम पीरियड पे मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन हमें उस रूप से टाइम पीरियड मिला गया है और उस टाइम पीरियड के रूप से हम I'm just concluding in 2 seconds, sir. Because nobody spoke about the sections, all spoke about politics. So it's very important to tell what the government is doing, such a wonderful work and such a wonderful bill Adarniya Jitendra Singh ji has been placed. Aur ek bahut mahatvapurna baat ji, jo 17A ki thi sir is section mein, jahan pe hum dekhte the ki higher judiciary mein kabhi corruption hota tha तो आदरणीय चीफ जस्टिस साहब की आपको परमिशन लेनी पड़ती थी और करना पड़ता था, लेकिन ऐसे किसी अफसरों में या हम खुद उसमें इन्वॉल्व हैं, हम भी पब्लिक सर्वेंट हैं, इसमें कहीं इजाजत लेने की कोई सुविधा नहीं थी। आज वो सुविधा जो 6A ओल्ड एक्ट था जिसको आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि नॉन डिस्क्रिमिनेटिव प्रोविजन होना चाहिए, तो अभी उसको 17A के रूप से हमने लाया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, ये बिल बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई थी विरोधियों की। मैं बस 2 मिनट में कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ से विश्वास शुरुआत हुई थी कि हमें सवाल पूछने की, कहाँ राफेल डील का क्या हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ अभी भी करप्शन सालों का हमारे यहाँ दिखता जा रहा है, उसके कोई उदाहरण और उत्तर हमारे सामने आए नहीं। अभी भी बोफोर्स की तोफ गर्म है और ये लोग राफेल डील के हमें सवाल पूछ रहे हैं। ऐसी जब परिस्थिति होती है तो हमें हम सबको समान रूप से साथ में काम करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगी, सरकार जब से 2014 में हमारी आई है समानता का भाव लेके आई है, हर एक पॉलिसी में समान कानून समान अवसर, इस सब का श्रेष्ठ उदाहरण स्वच्छ भारत अभियान है सर। स्वच्छ भारत अभियान ने हमें ये दिखाया है कि स्वच्छता हमारे मन की दिल की और हमारे परिसर की बहुत जरूरी होती है और यही स्वच्छ भारत अभियान में अभी करप्शन भी लाया गया है और इसी स्वच्छ भारत अभियान के रूप से इस भ्रष्टाचार को जो दीमक की तरह हमारे देश में हमारे जैसे युवाओं को आगे ले जाना है, देश दीमक की तरह देश से जकड़ा गया है, उस भ्रष्टाचार को भी स्वच्छ करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान भी हम लगा रहे हैं, ये इस बिल के रूप से हमें दिखाई दे रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। अभ्यास इंडिविजुअल बिल है, ये बिल में ऑर्गेनाइजेशनली बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी सब पे बिल है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये बिल लाया और इस बिल को समर्थन देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।